हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम टू शिक्षा सो गाइस दिस इज लेक्चर नंबर फोर्टीन फॉर द न्यू सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड टाइम एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि नई और पुरानी दोनों प्लेलिस्ट्स आपने देखनी है दोनों ही इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके लिए ओके okay? एंड uh, बिल्कुल कोई डाउट मत रखिएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर कोड्स के लिए आपको कहीं और कुछ और एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब के ऊपर आपको लेक्चर्स मिलेंगे सारे के सारे एंड काफी बच्चों ने ऐसा डाउट रेज किया कि सर ये पेड कोर्स है क्या कोई इसका तो पेड कोर्स की आपको क्या जरूरत है जब यहाँ पर आपको सारा फ्री कंटेंट मिल ही रहा है ओके okay, अभी के लिए कोई ऐसा पेड कोर्स नहीं है सो डू नॉट वरी एंड कम्पलीटली आप रियलाइज कर सकते हो पेड कोर्सेज में वी हैव द एम सी क्यू कोर्सेज तो वो एक अलग चीज़ है अगर आप एम सी क्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो दैट इज योर विश ओके सो यू कैन गो एंड चेक दम आउट उसके ऊपर अभी हमारा फिफ्टी परसेंट ऑफ भी चल रहा है इफ यू यूज द कोड यू पी एस सी ई पी एफ ओ ऑ ऑ वरे सो लेटेस्ट स्टार्ट गईस विद द टॉपिक्स दैट वी है इम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे ओरिजन एंड ग्रोथ देखेंगे इंप्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ सी आई आई और एफ एस आई आई के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे इंडिया के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का फॉलो एंड फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर की क्या ऑब्जर्वेशन थी रिलेटेड टू इम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन वो कवर हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके देखो ट्रेड यूनियंस तो बेसिकली हमने देखा कि यार इसको रिप्रेजेंट करती है ठीक है और ट्रेड यूनियन में मेंबर कौन होते हैं ट्रेड यूनियन में इंडिविजुअल इंप्लॉय मेंबर होता है ठीक है एक इंडिविजुअल इंप्लॉय है ट्रेड यूनियन के अंदर इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गए इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मेंबर्स होंगे लेकिन इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स एक तरीके से मेंबर नहीं होते इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्राइजेस मेंबर होते हैं ठीक है अब आप ये बोल लो कि मालिक मेंबर है इंप्लॉयर मेंबर है या एंटरप्राइज मेंबर है दैट विल बी मोर और लेस सेम ठीक है लेकिन स्लाइट एक डिफरेंस आ जाता है बिकॉज यहाँ पर जो मेन मेंबरशिप होती है ना वो एक तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसकी इसके रेमिफिकेशन बहुत सारे हैं क्योंकि अगर मैं बोलू कि यार ये सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये ऑर्गेनाइजेशन से हमें एक आइडिया क्या लगेगा कि यार ये तो सिर्फ एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ कि ये एंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके अंदर वाइडर एरिया आ जाता है जहां पर इवन इंप्लॉयज के जो कंसर्न्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी इसके अंदर आ जाएगा ठीक है इसीलिए क्या बोलते हैं हैं कि जो ये ये ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं ये एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है जी अब ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन इसके अंदर देखो जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो वर्कर और इंप्लॉयर दोनों के एसोसिएशन की बात है तो ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट कोई नया है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर बकायदा पूरा प्रोवाइडेड है कि जो यूनियंस हैं दैट कैन बी बोथ ऑफ ऑफ वर्कर्स एज एज वेल एम्प्लॉयर्स फर्दर अगर हम ओरिजिन एंड ग्रोथ की बात करें इंडिया के अंदर कैसे इसका ओरिजिन रहा कैसे ग्रोथ रहा तो सबसे पहले अगर दुनिया में आप देखोगे पहले हम एक बार वर्ल्ड का आइडिया ले लेंगे देन विल मूव ऑन टू द इंडियन सेगमेंट ओके सो पहला इंप्लॉयर एसोसिएशन दुनिया के अंदर जो फॉर्म हुआ था दैट वाज चैंबर ऑफ कॉमर्स ओके इन द फॉर्म ऑफ चें ऑफ कॉमर्स एंड इट वॉज में पहली बार जो है एक इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार वो स्टेटमेंट बेस्ड में या डायरेक्टली भी पूछ सकता है और जैसे ही ये फ्रांस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनी इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन बनी इस चैम्बर की जो यूटिलिटी थी या यूजफुलनेस थी वो बहुत स्पीड से फैली ठीक है यूरोप के अंदर फिर अमेरिका के अंदर बहुत स्पीडिली इंप्लॉयर्स ने रिकोगनाइज किया कि कितना इंपॉर्टेंट है एक इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होना एंड विथ दिस डेवलपमेंट धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी जिनको इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के रूप में स्टैब्लिश किया गया जिसके हेडक्वार्टर्स है पेरिस के अंदर ठीक है तो इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के कहां पर है पेरिस के अंदर है ये भी आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा ओके इंडिया के अंदर अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ना डेवलपमेंट तीन फेजेज के अंदर हुई है वो तीनों फेजेज हम एक एक करके देखेंगे सबसे पहले तो आपका जो 1933 तक का पीरियड है पीरियड अप टू तो नाइनटीन तो बेसिकली हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो वेरियस राइट्स अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहे थे वो सरकार ने ले लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पर ले लिए अब पहले क्या था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के इंडिया में धंधा कर सकती थी अब उन्होंने डोर्स खोल दिए बाकी के यूरोपियंस के लिए भी बाकी के ब्रिटिशर्स के लिए भी कि वो इंडिया में आकर के धंधा कर सकें तो अब क्योंकि सिर्फ पहले तो सिर्फ एक कंपनी की मोनोपोली थी ठीक है तो उसको तो कम, ब्रिटिश सरकार इंडिविजुअली मैनेज कर रही थी अब जब बहुत सारे ब्रिटिश बिजनेसेस आएंगे तो उन ब्रिटिश बिजनेसेस के इंटरेस्ट को भी तो सरकार को प्रोटेक्ट करना है साथ ही साथ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ओके तो इसी वजह से अब डेवलपमेंट होनी शुरू होगी इंप्लॉयर सेगमेंट में या इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस की डेवलपमेंट में और इसी के साथ पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टैब्लिश किया गया बाय द ब्रिटिश बिजनेसमैन इन इंडिया जिसका हेडक्वार्टर्स था कैलकाटा में एटीन में ये चैंबर ऑफ कॉमर्स बना तो पहला चैंबर ऑफ कॉमर्स जो ब्रिटिश बिजनेसमैन ने इंडिया में बनाया वो कहां पर था कैलकटा में था और 1833 में बना ये दोनों याद रखेंगे डेट और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कैलकाटा के अंदर ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनने के बाद क्विकली आप देखोगे मद्रास और बॉम्बे जैसी जगहों पे भी ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आपके आ गए ओके अब इंडियन जो बिजनेसमैन थे ना वो इन ब्रिटिश चैम्बर्स के मेंबर नहीं थे ठीक है और ज्यादातर मतलब मेजोरिटी में इंडियन बिजनेसमैन को एंट्री ही नहीं मिलती थी कुछ चुनिंदा लोग इसके मेंबर बनते थे इंडियन इंडियन बिजनेसमैन बिजनेसमैन उसके अलावा इससे कंप्लीटली बाहर रहते थे और यही एक रीजन था कि एटीन में अब देखो एटीन का जो पीरियड है उसके अंदर लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देना इंडिया में कांग्रेस की भी फॉर्मेशन हो जानी है एटीन में ठीक है तो जो भी आ, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या बिजनेस क्लास के जो लोग थे एजुकेटेड जो लोग थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हर एरिया में ऑर्गेनाइज करना अपने आप को शुरू करेंगे तो बिजनेस सेगमेंट में भी अब इंडिया वाले अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपनी खुद की इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू करेंगे क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी उसमें ना तो उनको जगह मिल रही थी ना ही उनके इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो रहे थे ठीक है और इसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बनने से एक प्रॉपर स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इंडियन बिजनेसमैन का ब्रिटिश बिजनेसमैन के साथ क्योंकि देखो क्यों है ये स्ट्रगल क्योंकि ब्रिटिश बिजनेसमैन को तो बहुत सारे बेनिफिट्स पर्क्स रियायतें दे रही है सरकार उस समय की ब्रिटिश सरकार लेकिन इंडियन बिजनेसमैन को वो सब जो एडवांटेजेस हैं वो नहीं मिल रहे हैं तो एक स्ट्रगल यहां पर शुरू हो जाएगा एंड इसी के साथ पहला चेंबर ऑफ कॉमर्स बनेगा जो इंडियंस ने स्पेशली जिसको फॉर्म करेंगे द नेटिव मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ कोकोंडा सब्सिक्वेंटली इसका नाम चेंज किया गया एज गोदावरी चेंबर ऑफ कॉमर्स 1885 में इसकी फॉर्मेशन हुई सेम ईयर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी फॉर्मेशन हुई थी उसके बाद 1887 में आया आपका बंगाल नेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ये कैलकटा के अंदर स्टेब्लिश हुआ ऑलराइट राइट right. टली ब्रिटिश ऑरिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड जॉइंट इंडियन इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस इंटरेस्ट फॉर्म दल एसोसिएशन तो धीरे धीरे क्या हुआ अब अभी तक तो क्या था एक सिंगल सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी जैसे सिंगल सिंगल ट्रेड यूनियंस बनती है अब ये ट्रेड यूनियंस या ये इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे अपने आपको फेडरेशन के अंदर भी ज्वाइन करना शुरू करेंगी जहां पर मल्टीपल इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन साथ में आकर के जुड़ जाएंगी ठीक है तो जो ब्रिटिश ऑरियंटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स थे या जो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस इंटरेस्ट जो पारसी कम्युनिटी के इंटरेस्ट थे उन्होंने एक सिंगल फेडरल एसोसिएशन बनाने का डिसाइड किया और उसी के साथ आपकी फॉर्मेशन हुई एसओम की जो आज भी एग्जिस्टेंस के अंदर है दैट इज योर एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बॉम्बे के अंदर है ठीक है तो इस तरीके से आपकी एसओच की फॉर्मेशन भी हो गई नाइनटीन 1927 के अंदर इंडियन बिजनेसमैन जो स्पेशली स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या था

अगेन जो आज भी एग्जिस्टेंस में है एंड दैट इज योर यी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो 1927 में स्वदेशी मूवमेंट के सपोर्टर्स जो थे इंडियन बिजनेसमैन उन्होंने ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दिया था इसका दिल्ली में और अगर हम आज की बात करें तो फिक्की के अंदर ऑल टाइप ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं फिक्की उनको रिप्रेजेंट करता है अब हुआ क्या आप जानते हो कि आई बना 1919 में और आईएलओ की ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अंडर बना था ठीक है तो आई में क्या था एक ट्रिपल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है आईएलओ जिसके अंदर इंप्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं इंप्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं हमने ये हमने आईएलओ के लिए जब वीडियो देखा था उसके अंदर हमने कवर किया था तो इंप्लॉयर के में में मेनली इंडिया में फिक्की रिप्रेजेंट कर रहा था इंप्लॉयर इंटरेस्ट को ठीक है 1927 से लेकर के 1930 तक अब फिक्की को सरकार ने एक दिन आकर के बोला उस समय की अंग्रेज सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भैया ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस के अंदर यू आर अ चेंबर ऑफ कॉमर्स फिक्की को उन्होंने बोला कि आप एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो आप एक इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो आप एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो और बिकॉज यू आर अ चेंबर ऑफ कॉमर्स यू कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंप्लॉयर्स ठीक है आप एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंप्लॉयर्स नहीं हो समझ रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो तो क्योंकि आप चें ऑफ कॉमर्स हो तो आप इंप्लॉयर के इंटरेस्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते आप जो तक अपने डेलीगेट्स भेज रहे थे आईएलओ के अंदर अब आपके डेलीगेट्स को नहीं भेजा जाएगा या सरकार आपसे कंसल्ट करके डेलीगेट्स नहीं भेजेगी आईएलओ में तो फीके ने कहा कि यार ये तो नुकसान हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन इंप्लॉयर्स के इंटरेस्ट को कोई अगर रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो के लोग कर रहे थे and अब सरकार ने ने घुमा फिरा करके कि कि आप Chamber of Commerce हो, आप आप का नहीं नहीं हो तो आप अपने members को नहीं भेजोगे। तो तो अपने को भेजोगे इसलिए क्या किया इन्होंने इन्होंने एक separate, central body of industrial employers बनाया। इन्होंने एक 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 बनाया बोला ठीक है हम Chamber of Commerce है ना, हम हैं ना नई नई बना लेते हैं। तो 1932 में इंडस्ट्रियल इंप्लॉयर्सेंटेटिव so को जो हैं, उसमें भेज सके ठीक है बाद में इसका नाम ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंप्लॉयर्स कर दिया गया एंड इसके जो करंट हेडक्वार्टर वो न्यू डेली के अंदर लोकेटेड है फॉलोइंग दिस एक और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंप्लॉयर्स बनाई गई इंप्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ठीक है ये एसओचएम ने बनाई थी एसओम ने भी इंप्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया क्यों बनाई सेम रीजन से ताकि इनको ट्रीट किया जा सके एज इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेटिव को आई एल ओ जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर भेजा जा सके राइट सो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स जो है इसका ओरिजन आता है वाया फिक्की और जो इंप्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसका ओरिजन कहां से आएगा वाया आपका एसओच फिक्की का हेडक्वार्टर्स न्यू डेली में है इसीलिए ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ में है थोड़ा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके दिमाग में रहेगा फिर आ जाता है जी नाइनटीन थर्टी फोर से लेकर के नाइनटीन फोर्टी सिक्स का पीरियड अब देखो एआईओ और ई एफ आई बन चुके हैं ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके हैं फिक्की और एसओचएम ने बना दी हैं और जब ये ऑर्गेनाइजेशन आए शुरू में तो शुरू में देवर मेनली रिप्रेजेंटिंग लार्ज लार्ज स्केल स्केल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल मेनली जो बड़े बड़े टाटा बिरला थे उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा था ठीक है तो ऐसा फील हुआ कि यार जो मीडियम या स्मॉल साइज इंप्लॉयर्स हैं इनके इंटरेस्ट के रिप्रेजेंट इनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना भी बड़ा जरूरी है अब इनके इंटरेस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करें बड़े वालों के लिए की तो जिम्मेदारी ए आई ओई और ई ने ले ली ठीक है इसीलिए एम विश्वेश्वरिया की लीडरशिप के अंडर एक रिनोल्ड इंजीनियर थे इनके अंदर एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई बॉम्बे के अंदर जो थी ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और ये मेनली क्या काम कर रही थी ये रिप्रेजेंट करने का काम कर रही थी ट्रेड एंड लेबर इंटरेस्ट ऑफ मेंबर फर्म्स इन द मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर तो जो एक गैप एआईओई और ईएफआई की वर्किंग के अंदर आ रहा था कि ये मीडियम और स्मॉल साइज इंप्लायर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे वो काम अब कौन शुरू कर देगी आपकी ऑल इंडिया मैनुफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आपको नाम याद रखना है किसकी लीडरशिप के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का नाम कौन से ईयर में हुआ है और कहां पर इस्टिश की गई थी ये चारों के चारों फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे चारों के चारों में से आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है अब ये मेनली रिप्रेजेंट तो देखो स्मॉल और मीडियम सेक्टर को करेगी लेकिन इसकी जो मेंबरशिप थी उसमें किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि भाई बड़े जो इंप्लॉयज हैं वो इसकी मेंबरशिप में ही नहीं आ सकते दे वर आल्सो अलाउड टू बी द मेंबर ठीक है एंड धीरे-धीरे एआईएमओ को सरकार की रिकॉग्निशन भी मिली भारत सरकार की रिकॉग्निशन भी मिली कि नेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट करेंगे इनफैक्ट 1980स के अंदर इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव एआईएमओ को सेंड किया गया ओके okay? तो एआईएमओ जो बेसिकली मीडियम और स्मॉल सेक्टर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा उसके बाद जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 का इसके अंदर प्रोविजन था कि इंप्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन टिवस इंप्लॉयर्स के और लेबर के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट बनेंगे थ्रू स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो बेसिकली क्या बोल रहा था ये कि इंप्लॉयर्स और लेबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो लेजिस्लेटिव बॉडीज थी उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा ओके okay. सो uh, बेसिकली so एक तरीके से इन इम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल uh, लेजिस्लेचर्स के अंदर अपनी बात रख सके उसी के साथ भारत सरकार ने उस समय की ब्रिटिश भारत सरकार ने लेबर uh, डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एंड ट्राइपेटाइट बॉडीज का भी कॉन्स्टिट्यूशन किया गया जैसे कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग लेबर कमेटी, ट्राइपेटाइट बॉडी आप समझते ही हो जिसके अंदर इम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेशन इम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेशन और सरकार का रिप्रेजेंटेशन है ठीक है तो इन बॉडीज में भी जहां पर स्पेसिफिकली ट्राइपेटाइट इनको बनाया गया ताकि इम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट कर सके तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चाहे वो आपकी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हो स्टैंडिंग लेबर कमेटी हो इंडस्ट्रियल कमेटी हो ये सब की सब कमिटीज बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सरकारों को जरूरत थी इंक्रीज प्रोडक्शन की जब भी युद्ध होता है तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए इन को बनाया गया था ताकि लेबर किसी तरीके से ना आए देखो अगर युद्ध के समय लेबर कन्फ्लिक्ट आ गया तो वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और लेबर कन्फ्लिक्ट ना आए इसीलिए ट्राइपेटाइट बॉडीज को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था थर्ड फेज आ जाता है 1947 के बाद का ठीक है इंडिपेंडेंस के बाद अब पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रीफ्रेम करना है आजादी मिल चुकी है आजादी के बाद इंडिया में पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस अब बनेगा ठीक है सरकार कहेगी कि पब्लिक सेक्टर जो है वो मेजर एक रोल प्ले करेगा इंडिया की ग्रोथ में और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो काफी कम हो जाएगा और बहुत सारे इनिशिएटिव्स मीटिंग्स जो है वो विद इन द टाइम फ्रेम शुरू किए जाएंगे अल्टीमेटली 1956 में क्या हुआ 1956 में ये डिसाइड हुआ कि यार एक ना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप सुपर स्ट्रक्चर बोलो वो फॉर्म करने की जरूरत है ताकि आप बेटर रिप्रेजेंट कर सको तो दो बड़ी उस टाइम पर ऑर्गेनाइजेशंस थी एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस एआईओई और ईएफआई ठीक है जिनकी फॉर्मेशन हम देख चुके हैं पहले तो 1956 में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला गया कि आप एक हो जाओ ठीक है यू वन ताकि आप बेटर रिप्रेजेंट कर सको एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट को ओके okay. एंड फिर ये काउंसिल ऑफ इंडियन इंप्लॉयर्स बन गया और जो ये काउंसिल ऑफ इंडियन इंप्लॉयर्स था जो बेसिकली ए प्लस ई एफ आई से बना है इसने अपने आप को एफिलिएट किया जेनेवा के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स से ताकि एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो भी क्रिएट हो सके आजादी के बाद ही आपका सीआईआई का फॉर्मेशन भी आ, जो है आ, हुआ आजादी से पहले था लेकिन आजादी के बाद इसका जो इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा ब्रॉड हो गया तो ओरिजिनली आपका सीआईआई में फॉर्म हुआ था ठीक है लेकिन 1991 तक काफी हद तक ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर के साथ एसोसिएटेड था जैसे कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ओके इसका शुरू से ही कलकत्ता में रहा 1991 के बाद ये थोड़ा सा broad based हो गया और बाकी की इंडस्ट्रीज से रिलेटेड CII की अगर हम बात करें तो काफी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है अराउंड 35 फाइव ऑफिस है इसके पूरी दुनिया में मिडल ईस्ट यूके यूएस कैनेडा सिंगापुर हर जगह पर आपको सी यानी कि यानी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ऑफिस मिल जाएंगे देन there इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड FASSI. FASII, Full Form Federation of Association of Small Industries in India. ठीक है इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है तो फॉर्मेशन का थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को आपको क्वेश्चन देना होगा मैं आपको एक क्वेश्चन दे दू अरे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन है। ये तीन मैंने दे दिए ऑप्शंस में यहां पर दे दूंगा वन टू थ्री बी दे दूंगा थ्री टू वन सी हो गया टू वन थ्री एंड डी हो गया थ्री वन टू बन गया क्वेश्चन कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पर पर तो CII आपने देखा अराउंड फॉर्म फॉर्म हो हो रहा रहा है है और एफ एस एस आई कब फॉर्म हो रहा है ठीक है, है? है तो मेरा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा वन टू थ्री तो एक ब्रीफ आइडिया इसका रखेंगे आपको हेल्प करेगा आपका क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाला सॉल्व करने में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा थ्री टीयर स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का तो इम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली थ्री टीयर स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर एक तो लोकल एसोसिएशन फिर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और फिर ऑल इंडिया फेडरेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स ही बात नहीं है जैसे इंप्लॉय यूनियन के अंदर भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है लोकल होता है फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है फिर ऑल इंडिया लेवल पे होता है तो वो सेम फिनल यहां पर भी फॉलो हो रहा है लोकल एसोसिएशन बेसिकली जैसे कहीं पर कोई इंडस्ट्रियल सिटी है ठीक है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है एक शहर के अंदर ठीक है वहां पर कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स बना दिया या फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन बना दिया ठीक है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया की सारी इंडस्ट्रीज को बेसिकली कवर कर रहा है ठीक है एक ऐसा नहीं है कि एक सिंगल टाइप ऑफ इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्रीज को उस एरिया में कवर कर रहा है एंड जो ये लोकल एसोसिएशन होती हैं, इनकी जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी होता है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल मैटर्स नहीं होता लेबर मैटर्स के ऊपर भी ये काम करेगी फिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइज़ेशन एसोसिएशन आ गया अगेन एक जनरल पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स का इंडिया में बेसिकली ये भी एरिया या रीजनल लेवल पे बनेगी या ऑल इंडिया लेवल के ऊपर भी बन सकती है तो रीजनल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आर जनरली एसोसिएटेड विद और एफिलेटेड टू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन तो ये अल्टीमेटली फेडरेशन लेवल के ऊपर या सेंट्रल लेवल के ऊपर फिर लिंक्ड होंगी मेन रीजन क्या होता है कॉमन नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हर इंडस्ट्री की है वो रिप्रेजेंट करने का तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन देखो लोकल एरिया में क्या था एक एरिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा अब उस एरिया की इंडस्ट्री में स्टील इंडस्ट्री भी हो सकती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हो सकती है ठीक है अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन सब उसके मेंबर हैं। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में क्या है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री तो स्टील इंडस्ट्री में के जो इंप्लॉय है सिर्फ वो इसके मेंबर हैं ठीक है बाकी के नहीं ऑल और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंडस्ट्री वाइज बोर्ड इंडस्ट्रियल कमिटी सेंट्रल स्टेट लेवल के ऊपर कलेक्टिव बारगेनिंग का मैकेनिज्म ये सब बेसिकली इसके अंदर काम करती हैं और इन्हीं सब की ग्रोथ से अल्टीमेटली इन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ग्रोथ भी हुई है फाइनली आ जाती है ऑल इंडिया फेडरेशन अब इसके अंदर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन भी इसका पार्ट है यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूनियन है या जो ज्योग्राफिकल यूनियन है जैसे कि आपकी लोकल एरिया यूनियंस, वो सब इसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे ठीक है ऑल इंडिया फेडरेशन में मेनली तीन फेडरेशन ऑपरेट कर रही है नेशनल लेवल के ऊपर एआईओई, ए आई एआईएमओ, ठीक है अब जैसे ए और ई में तो ट्रेड एंड लेबर इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है एआईएमओ ऐसा नहीं करता सॉरी ए आई एम ओ करता है ए और ई एफ आई नहीं करता बट ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए नहीं है इसकी मेंबरशिप इन ऑर्गेनाइजेशंस की इन तीन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप इंडिविजुअल फर्म्स जॉइंट स्टॉक कंपनीज किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी एसोसिएशन या कोई भी चेंबर ऑफ कॉमर्स है जो इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसका मेंबर बन सकता है ये जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ना ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये समझ चुके हो मेनली इसके अंदर आपने क्या समझना है कि भाई एक लोकल एरिया यूनियन क्या होती है लोकल एरिया यूनियन होती है जहां पर उस एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब इसका पार्ट बन सकती है रेस्पेक्टिव की वो कौन सी इंडस्ट्री है शुगर की है टेक्सटाइल की है स्टील की है कोई भी है इंडस्ट्रियल यूनियन क्या हो गई कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग ही उसका पार्ट बनते हैं जैसे अगर स्टील इंडस्ट्री की यूनियन है तो सिर्फ स्टील इंडस्ट्री के जो इंप्लॉयर्स हैं वो उसका पार्ट बनेंगे Finally, हम लास्ट के ऊपर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहले तो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने क्या बोला कि जितनी भी इम्प्लॉयर एसोसिएशन है ना इनकी रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दो ठीक है फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन रिकमेंड किया था और ये क्या बोलता है नेशनल कमीशन ऑन लेबर क्या बोलता है कि ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन है ना ये इन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन की सर्टिफिकेशन करेगा ठीक है ताकि कलेक्टिव बारगेनिंग सेकंड पॉइंट क्या बोलता है नेशनल कमीशन ऑन लेबर कि जितनी भी इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस है ना इनको कलेक्टिव बारगेनिंग को एनकरेज करना चाहिए वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन यानी कि इंप्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ करके सरकार के साथ बैठ करके बातचीत करके कलेक्टिव बारगेनिंग का प्रोसेस यूज करके गिव एंड टेक का प्रोसेस यूज करके जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें और किसी भी तरह का थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कम से कम रखा जाए कि थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन को कम से कम रखा जाने का क्या मतलब है भाई आर्बिट्रेशन में चले गए कोर्ट में जाना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय का दुरुपयोग उसके अंदर होता है ठीक है उसके बाद एम्प्लॉयर्स को क्या यहां पर नेशनल कमीशन ऑन लेबर बोलता है कि जितने भी इंप्लॉयर्स है ना उनको अपने सुपरवाइजर्स और जो मिडल मैनेजमेंट है उनकी रेगुलर ट्रेनिंग करानी चाहिए ठीक है ट्रेनिंग किस एस्पेक्ट में आर्ट ऑफ हैंडलिंग लेबर क्योंकि अगर, देखो सुपरवाइजर और मिडल मैनेजमेंट ही दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्टीमेटली लेबर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहना ठीक है अगर ये प्रॉपरली लेबर को हैंडल कर पाएंगे तो बहुत सारे जो कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट जो कर रहे हैं इंप्लॉयर uh, और इंप्लॉय के बीच में डेफिनेटली उनको ऑटोमेटिकली आप जो है कम कर पाओगे ओके okay? तो ये एक सजेशन uh, था उसके बाद एनसीएल ने क्या बोला कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेबर मैनेजमेंट रिलेशन इंप्लॉयर एसोसिएशन जो है उनको कुछ फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट करने चाहिए हां जी ये फंक्शन जो है आपको परफॉर्म करने ही करने हैं। सबसे पहले तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करें हर लेवल के ऊपर ठीक है उसके बाद बायपेट्राइट या ट्राई पेट्राइट जो भी एग्रीमेंट साइन होता है ठीक है जहां पर इंप्लॉयर और इंप्लॉई या फिर इंप्लॉयर इंप्लॉय और सरकार बैठ करके किसी एग्रीमेंट में आए हैं तो एक बार अगर एग्रीमेंट साइन हो गया तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें और उसको इंप्लीमेंट करें ठीक है फिर उसकी नॉन इंप्लीमेंटेशन ना करें उसको स्पिरिट एंड फॉर्म में इंप्लीमेंट करें अगर कोई वेज अवार्ड मिला है किसी मेंबर को किसी इंप्लॉय uh, को किसी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कोई वेज अवार्ड अनाउंस किया जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कम्पन्सेशन इंप्लॉय को देना है तो वो कंपनसेशन बिना किसी डिले के उसको दिया जाए अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को यूज ना किया जाए ठीक है उसके बाद एनकरेज एडोपन बाय मेंबर्स ऑफ पर्सनल पॉलिसीज ठीक है इंप्लॉयर्स ऐसी पॉलिसीज एडॉप्ट करें रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स जो प्रोडक्टिव हो और इंडस्ट्रियल पीस को एनकरेज करें ठीक है जी मैनेजमेंट को रैशनलाइज करें ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो इंप्लॉयर के एजुकेशन का काम करें इंप्लॉयर की एजुकेशन में बेसिकली ये जो इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी क्योंकि ये बेसिकली इंप्लॉयर को ट्रेन करेंगी उसके सामने अपना वेरियस रिसर्च लेकर के आएंगी कैसे लेबर मैनेजमेंट रिलेशन को इंप्रूव किया जा सकता है उसके कंटेक्स में कॉम्युनिकेट करेगी तो एक तरीके से इंप्लॉयर ट्रेनिंग का काम जो है वो भी एनसीएल को ऑब्जर्व करना सॉरी नेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैं दैट वर गिवन बाय एनसीएल कई बार यूपीएससी ना सीधा क्वेश्चन डाल देता है फॉलोइंग वाज द ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन गिवन बाय एनसीएल इन कंटेक्ट ऑफ योर इंप्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन ओके सो दिस इज इट गाइस इंप्लॉयर के अंदर हमें इतना ही करना था एंड सफिशियंट हमने कर लिया है इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स में ओके okay. पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ नाइनटी नाइन रुपीज पे करने हैं आपको एंड नाइन्टी नाइन रुपीज में आपके पीडीएफ फाइल्स वर्थ हैं ठीक है इतने इससे ज्यादा की तो आप कॉफी पी लेते हो सिर्फ और सिर्फ एक सीरियसनेस इनकरेज करने के लिए है ओके एंड टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पर वीडियो अपडेट्स भी आते रहते हैं और कोई सवाल करना चाहो वो भी कर सकते हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ठीक है उसके अलावा आप व्हाट्सएप एंड मेल भी कर सकते हैं एंड कमेंट करके जरूर बताएं लेक्चर कैसा लगा मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय